सो गई सेवेंटीन थाउजेंड का जो बजट है ना इसमें हमें काफी सारे स्मार्टफोन देखने मिलते हैं और बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन से स्मार्टफोन को लेना चाहिए तो इसी को देखते हुए आज हम सेवेंटीन थाउजेंड के प्राइस सेगमेंट में आने वाले बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले जिन हैं जिनमें आपको कैमरे क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाएगी जिसका यूज आप डे टू डे भी आराम से कर सकते हैं इसके अलावा इन फोन को हमने पावरफुल प्रोसर के साथ भी रखा है जिससे आप गेमिंग करते हैं या कोई भी काम आपको हैंग और लैग जैसी प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगी तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है टू G62 5G स्मार्टफोन गाइज अगर आपको सत्रह हजार के बजट में अपने पेरेंट्स के लिए कोई फोन लेना या आपको कोई ऐसा फोन लेना हो जिसमें क्लीन यू मिल जाए और फालतू तो एड्स और ब्लॉड बेयर ना मिले तो मोटो जी आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी तो इसके स्पेक्स की बात करें तो इसमें का काफी पावरफुल प्रोसेसर कॉलकूम स्नप्रेगन सिक्स मिल जाता है जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं कैमरे की बात करें तो इसमें बैक साइड में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल जाता है जिसमें मेन कैमरा फिफ्टी मेगा पिक्सल एट मेगा पिक्स का अल्ट्रा वाइड और टू मेगा पिक्सल का मैक्रोल देखने मिलता है और फ्रंट कैमरा सिक्सटीन मेगा पिक्सल का मिलता है डिस्प्ले की बात करें तो ये पॉइंट फाइव इंच की फुल एच डी प्लस आई पी एस डिस्प्ले के आता है जिसमें रिफ्रेश का ट्वेंटी है इसके अलावा इस फोन में 600 मिल जाती है और चार्जिंग ट्वेंटी वोट की और फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें साइड मोटेड मिल जाता है तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि एट जी बी रेम ट्वेंटी को लेते हैं तो ये मिल जाता है सो अगला फोन है नंबर फोर पर इन्फिन स्मार्टफोन गाइज वैसे तो इस बजट में लोग इन्फिनिक्स के फोन को कम पसंद करते हैं लेकिन अभी के टाइम में इनफिनिक्स बहुत तगड़ा काम कर रहा है और ये फोन भी काफी अच्छे फीचर्स लेके आता है तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है आपको मेरा डाइ डायमेंस टी सिक्स जीरो एट जीरो प्रॉसर और ये प्रोसर भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है जो काफी पावर पैक करता है और गेमिंग परपज से फोन काफी अच्छा है कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है जिसमें मेन कैमरा हंड्रेड एंड दूसरा कैमरा टू मेगा पिक्सल का डेप सेंसर और तीसरा कैमरा जीरो पॉइंट का ए लेंस मिल जाता है और फ्रंट कैमरा में सिक्सटीन मेगा पिक्सल मिलता है गाइज इसके दोनों कैमरे से आप फुल एच में और टू में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे जो की काफी अच्छी बात है डिस्प्ले की बात

की जिससे आउटडोर में भी इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें थर्टी थ्री वोट के फास्ट चार्जर के साथ फाइव थाउजेंड की बैटरी मिलती है और फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें भी साइड माउंटेड मिलता है तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसके रैम बैम ट्वेंटी वेरियंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 17, में मिल जाता है और सिक्स जीबी रैम ट्वेंटी स्टोरेज वाला वेरियंट अराउंड एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन नाइन में मिलता है तो अब बात कर लेते हैं नंबर वन के स्मार्टफोन के बारे में और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो नंबर वन पर है हमारे ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन रियलमी नारो सिक्सटी फाइव गाइस फोन के लुक्स में इस बार काफी दगड़ा काम किया गया है तो अगर आपको रियलमी का को को कोई कैमरा सेंट्रिक या ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना हो तो चॉइस होगी गेमिंग भी स्मूथली कर पाएंगे कैमरे की बात करें तो इसमें, का का इसमें, कर तो इसमें रियल में डुअल कैमरे का के है जिसमें मेन कैमरा सिक्सटी फोर और टू मेगा पिक्सल का डायब सेंसर मिल जाता है और फ्रंट कैमरे इसमें सिक्सटी मेगा पिक्सल का मिलता है डिस्प्ले की बात करें तो इसमें सिक्स पॉइंट फोर थ्री इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिल जाती है और इसकी में की ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास फाइव बी प्रोडेशन में मिल जाती है जो इसके बिल्ड क्वालिटी के लिए काफी अच्छा है और ये फोन एंड्रॉइड वर्जन थर्टी और इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर के साथ आता है बैटरी एफ की बात करें तो इसमें फाइव थाउजेंड एम की बैटरी मिल जाती है और चार्जिंग थर्टी थ्री की तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके एट जी रेम ट्वेंटी को लेते हैं तो ये फोन आपको सेवन थाउंड्रेड नाइन में मिल जाता है